बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा वलतन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम माओ और बहनों, इस दुनिया में इंसान का जो हिस्सा है वो इसकी उम्र ही है, और अगर इंसान इस उम्र को नफ़ा के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, सही मानों में अपने आखिरत की कमाई में इस्तेमाल करता है और उससे सोच समझ कर बसर करता है, तो ये नफ़ा में है। और अगर खुदा न खास्ता अपनी उम्र के बारे में लापरवाही का शिकार हो जाता है, गफलत का शिकार हो जाता है, तो इससे बड़ा और कोई खसारा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस साल में हम इस वक्त सांस ले रहे हैं, ये हमारे ज़िंदगी के सब आमाल समेटते हुए अनकरीब हमें अलविदा कहने वाला है। फिर इसने वापस नहीं आना। अगर हमने अच्छे आमाल, नेक आमाल और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं, तो हमें कल क़्यामत के दिन माशर के मैदान में सुरखरुई होगी, खुशी होगी। और अगर खुदा न खास्ता हमने लापरवाही और गफलत से काम लिया है या अपने आमाल के बारे में बिला सोचे समझे हमने अपने ऊपर ज़्यादती की है और अल्लाह ताला के नाफरमानी में चुगली, गीबत, झूठ, बदोहदी, बददियंती, फोशगोई, ज़ुल्म व सितम और हक तलफी लोगों की करते हुए अगर ज़िंदगी बसर कही है खुदा न खास्ता, तो फिर हमारे लिए इंतहाई क़्यामत का दिन नदामतों, शर्मंदगी, खसारे और घाटे का दिन है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये गुज़रा हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा कहा करते थे, आज ही अपना मुहासबा कर लें, अपना आखरत का बैलेंस चेक कर लें, और कल तुम्हारे आमाल का वज़न शुरू होने से पहले आज ही आप अपना वज़न भी कर लें कि मेरे पास नफ़ा बख्श कितनी चीज़ें हैं और खसारे वाली कितनी चीज़ें हैं, घाटे वाली कितनी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बदबख्ती उस शख्स के लिए है कि जिसने अपना मुहासबा नहीं किया और उसने ज़िंदगी को आवारा छोड़ दिया है, और इसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। उलमा ने ये भी कहा है कि जिस शख्स ने अपना मुहासबा नहीं किया उसका हिसाब भी शदीद होगा, और जो हर रात अपने दिन के आमाल को चेक करके सोता है कि आज मैंने इतने अमल किए हैं, मेरी ज़बान इतनी इस्तेमाल हुई, मेरी आँख इतनी इस्तेमाल हुई, मैंने इतने जो है वो कदम से पेश कदमी की है, इतनी चीज़ों को मैंने टच किया, छुआ है, तो वो चेक करता है कि मेरे ये जो आमाल हैं उनमें कितने आमाल ऐसे हैं, कितने अकवाल ऐसे हैं, कितनी तफकीर और कितनी सोच ऐसी है जो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा के लिए है, मेरे आखिरत की कामयाबी के लिए है, और कितने कलिमात, कितने अफ़ाल, कितने जो है पेश कदमी नाफरमानी में है, जहन्नम की तरफ है। तो वो अपना पूरा मुहासबा करने के बाद जो गुनाह होते हैं उनसे तौबा कर लेता है, जो उसके अच्छे आमाल होते हैं उस पर वो जारी वसारी रहता है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, ये ज़िंदगी हमें मौत के करीब कर रही है। इसका काम ये है कि जो मौत से दूर है उसको मौत के करीब, आखरत के करीब, और हर जो नई चीज़ है उसको ये वक्त पुराना कर देता है। जूँ ही ये वक्त गुज़रता है,
ये शब व रोज़ गुजरते हैं, इस लैल व नहार की आमद व रफ्त है, तो ये कम अज़ कम हमारे लिए बहुत बड़ा खसारा है। गुज़रे हुए दिन कभी हमें जो है वो वापस नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आज हमें इस अपने नफ्स को कंट्रोल करना होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वामा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह के खौफ से अपने इस नफ्स अम्मारा और आवारा पर कंट्रोल करता है, अल्लाह ताला की इताअत व फरमा बरदारी का इसको खोगर और आदी बनाता है, तो फरमाया अल्लाह ताला के हाँ उसके लिए जन्नत का वादा है। इस ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन जो हमने पूंजी हासिल करनी है वो अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ सबसे ज़्यादा वही हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा है। तो लिहाजा हमें अपने वक्त को कीमती समझते हुए हर किस्म की नेकी की कोशिश करनी चाहिए। नमाज़ें जो हम पर फ़र्ज़ हैं, पांच वक्त की बाजमात मस्जिद में अदा करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस्लाम की रूह रवा है, इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई इंसान नमाज़ों के बारे में लापरवाही करता है, कोताही करता है, तो वो समझ ले कि उसका इस्लाम से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है कि अलअहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सला फमन तरकहा फ़क़द फ़क़द कफ़र, के हमारे और काफरों के दरमियान जो बुनियादी और असासी चीज़ है जिससे हमारा और उनका फ़र्क होता है वो नमाज है। ये हमारा एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता और उसकी खिलाफ वर्जी करता है उसका सौदा भी ख़त्म हो जाता है, उसकी तिजारत टूट जाती है, वो अपना मुतालबा नहीं कर सकता कि मैंने इसके इवज़ ये लेना है। तो इस्लाम के इवज़ में अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रहमतें हैं, और इंसान जब अपना एग्रीमेंट नमाज वाला तोड़ देता है, उसकी खिलाफवर्जी करता है, तो फिर इसका ठिकाना वो नहीं है जो इसको नमाज की सूरत में मिलने वाला है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस्सला। आदमी अगर नमाज छोड़ देता है तो वो अपने इस्लाम को जो है वो गोया कि खैर बात कह देता है, उससे महरूम हो जाता है। इसी तरह हकूक़ में अपने वालदैन सबसे पहले आते हैं, वालदैन के साथ इंतहाई हुस्न सलूक करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनके दिल में सुरूर और उनके दिल में खुशी दाखिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया, वला तकुल्लहुमा उफ़, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा भी उनसे कोई गलती हो जाए, तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई हो, उनके अमल से, उनके कौल और उनके फ़ेल से कोई चीज़ सरज़द होती है जिसको आप पसंद नहीं करते, आपको तकलीफ़ होती है, आपको उसका सदमा होता है, आपकी हौसला शिकनी होती है, आपका आप डिसहार्ट होते हैं या आपका कोई नुकसान होता है वालदैन की वजह से, तो आप इतना भी उनके साथ अपना रवैया चेंज ना करें। इस हद तक भी आप अपने आप को जो है उनके सामने गम के इजहार में शो ना करवाएं कि आपको उफ़ कहना पड़े। चीज़ कि इंसान उनको डांटे, बल्कि डांट के लिए तो अलग फरमा वाला तनहर हुमा, कभी भी ज़िंदगी में माँ बाप को डांटना नहीं है। आजकल हमारे नौजवान नस्ल जो है वो भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें अपने मुंह से लुकमे निकाल के हमारे मुंह में डाला, जब हम बिल्कुल नाचीज थे, बिल्कुल कमज़ोर थे, और उस वक्त जब हम वालिदैन को सताते थे, माँ ने दूध नहीं पिलाया, वो दूध के रंग में उसने खून जो है वो पिलाया है और उसकी परवरिश की है अपने खून से, और अपने आराम को माँ बाप दोनों ने कुर्बान किया है। बाप बाहर के धक्के खाता है, मजदूरियाँ करता है, किस्म किस्म की मुसीबतें झेलता है, लेकिन घर की चार दीवारी में वो हमेशा खुशी दाखिल करता है, बच्चों की हाजात को पूरा करने के लिए, बच्चों के मुतालबात को पूरा करने के लिए, उनको खुशियाँ हमेशा मुहैया करने के लिए, न जाने उसकी रातें और उसके दिन घर की चार दीवारी से बाहर की गुजर कैसे गुजरते हैं, कितने लोगों से उसको जो है कुछ अजीब व गरीब झिड़कें सहनी पड़ती हैं, ताने सहने पड़ते हैं, मिन्नत समाजत करनी पड़ती है इनका पेट पालने के लिए, इनकी खुशियों को देखने के लिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं,
वो सारी वालदैन की खिदमात को भूल जाते हैं, लेकिन मालिक मुल्क जो है उनको भूलने नहीं देता, याद दिलाता है किताबुल्लाह के साथ वालदैन के हुकूक कि तुम दुआ करो माँ बाप के लिए, रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो तुम्हें याद आ जाए कि अल्लाह ताला क्यों कह रहा है कि हमारे माँ बाप पे इस तरह का रहम कर, इस तरह की मेहरबानी नाजिल कर, ऐसा प्यार और मोहब्बत कर जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की, जैसे हमारे साथ उनका सलूक और रवैया था। तो ये गोया कि अल्लाह ने एक सैंपल और एक मिसाल बना दिया वालदैन की तरबियत को, वालदैन की बच्चों के लिए खिदमात को, वालदैन की जो है वो फिक्र और हमदर्दी को, जो बच्चे यानी बाद में भूलते हैं तो अल्लाह उसको कुरान करीम में याद दिलाता है। तो लिहाजा अपने वालदैन के हकूक़ को पूरा करना है, अपने बीवी बच्चों के हकूक़ को पूरा करना है। ये ज़िंदगी ऐसे ही है कि आज ये साल जा रहा है, कल आ रहा है, फिर ये जाएगा, और ऐसे ऐसे हमारा सहीफ़ा जो है वो आमाल से भर रहा है, हमारी ज़िंदगी दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। तो लिहाजा मैं यही एक आप भाइयों से और अपने नफ्स को वसीयत करना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह से डरते हुए अपनी ज़िंदगी का, अपने इस वक्त का, अपने लैल व नहार का जो है वो इसकी कीमत को समझना चाहिए, इसको सुनहरी मौका समझना चाहिए, इसको गनीमत समझना चाहिए। और कोई वक्त भी अल्लाह ताला के रास्ते में जो है वो कोई ना कोई अल्लाह ताला की खुशनुदी का काम किए बगैर हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए। और आज असल में जो हमारा यानी आज की जो नशिस्त है, जो आज का ये प्रोग्राम है, हमारे बहुत ही प्यारे अहबाब, प्यारे साथी रियाज शहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और मेरी मुराद एक तो हमारे प्यारे भाई बुज़ुर्ग साथी डॉक्टर काजी आमिर साहब हाफिज़हुल्लाह, जो प्रिंसिपल हैं, एक बहुत बड़ा स्कूल है, इंटरनेशनल स्टार, इंटरनेशनल स्टार स्कूल है, और वो लाए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी इंशाल्लाह आपको चंदों के लिए अपनी वाज़ो नसीहत से फैज़याब फरमाएंगे। और बिलखसूस हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई फजीलत शेख मोहम्मद अख्तर सिद्दीक़ साहब हाफिज़हुल्लाह, जो मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी से फ़ारग़ हुए, अरसा दराज तक इसी मदीना में वो रहे, और उसके बाद आप अरसा दराज से माशाअल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर रियाज शहर के अंदर वहाँ पर दावती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि फजीलत शेख मोहम्मद अख्तर सिद्दीक़ साहब हाफिज़हुल्लाह वो तशरीफ़ लाएँ, और दुनिया के जितने भी लोग भाई और बहनें इस वक्त हमारे साथ मुखातब हैं और वो सुन रहे हैं IIRC के प्लेटफार्म से, और इसी तरह हमारा जो मदीना तैयबा का चैनल हमने शुरू कर रखा है उससे भी दो चैनल इस वक्त जो है वो चालू हैं, तो वो उनको दीन की अहमियत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसके हवाले से, या जो वो मुनासिब समझते हैं जो बयान करना, उनकी मैं उनको मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बयान फरमाएँ। फल तफ़द्दल मस्कूरा शेख। जी जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبت للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال في حديث آخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
او کما قال علیہ الصلات والسلام انتہائی قابل احترام سامعین, انتہائی معزز مکرم ماؤں اور بہنوں, انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا, ہم پر بے شمار اللہ تعالیٰ نے احسانات اور انعامات فرمائے ہیں, ہم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. دوسرے نمبر پر میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے انتہائی قابل قدر بھائی ہمارے سینئر ساتھی جامعہ اسلامیہ میں اور مکتب الدعویٰ میں بھی, جہاں جس مکتب کا ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی وہ مجھ سے سینئر ہیں, یہاں جامعہ میں بھی, جن کی وساطت سے آپ بہن بھائیوں سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے. میری مراد حافظ محمد اقبال صاحب حافظ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے بچوں کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے, ان کے بچوں کو باعمل عالم دین بنائے, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, مسجد نبوی میں, حرم شریف میں وہ دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری کوششیں قبول فرمائے. انہیں مجھے حکم دیا ہے, حالانکہ وہ مجھ سے بہت سینئر ہیں, اچھا علم رکھتے ہیں, مجھ سے کہیں زیادہ علم ان کے پاس ہے, لیکن ان کا حکم مانتے ہوئے چند گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں. اسی مناسبت سے جو وہ بات شروع کر رہے تھے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ سال ختم ہو رہا ہے, ذوالحجہ کے آخری ایام, آخری عشرہ یعنی شروع ہونے والا ہے, اور چند دنوں کے بعد ہماری زندگی کا اگلا سال شروع ہو جائے گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سال کے اندر ہم نے کس قدر نیکی کمائی ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم سے غلطی کے ساتھ سرزد ہو گئی ہیں. اب اس میں جو چیزیں ہم اچھی کر رہے تھے, نیکی کر رہے تھے, ان کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے, اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دھوکے میں مبتلا ہیں. کثیر من الناس, اکثر لوگ یعنی ان کی قدر نہیں کرتے. وہ دو نعمتیں کون سی آپ نے بیان فرمائی؟ فرمایا, پہلی فرمائی الصحہ اور دوسری فرمائی الفراغ, صحت اور فارغ وقت. یعنی عام لوگ جو ہیں وہ نہ ہی تو اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی فارغ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. صحت سے فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف نہیں دیکھتا ہے. لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو بڑی التجائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, خاص طور پر جب بیماری کو خطرناک صورتحال اختیار کر جائے تو پھر وہ اندر ہی اندر, دل ہی دل میں دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے صحت عطا کر دے, آئندہ تجھے میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن جو ہی اللہ صحت عطا کرتے ہیں وہ اپنی ڈگر پر واپس آ جاتا ہے. اسی طرح جو فارغ وقت ہے اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے, یعنی اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. یہ آج کل ہمارے ہاتھ میں یہ جو آلہ آ گیا ہے جسے موبائل کہتے ہیں, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ لا تعداد لوگ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ اس آلے کو اگر ہم اچھے کاموں میں استعمال کریں, فار ایگزامپل یہی آپ کے سامنے یہ آلہ لگا ہوا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے, دنیا میں مختلف لوگ اسے دیکھیں گے,
तो इसको अच्छे काम में इस्तेमाल किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस काम में इसे इस्तेमाल करें, यानी अपना वक्त जो है वो बर्बाद करने की बजाय उसे हम कीमती बनाएं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, इगतनिम खमसन कबला खमसिन, पांच चीजों को पांच चीजें आने से पहले पहले गनीमत जानो। गनीमत जानने का मतलब क्या है कि इन पांच चीजों के आने से पहले पहले पांच चीजें जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे फायदा उठा लो, उन्हें जाया ना करो, उनकी कदर करो, वो बहुत कीमती हैं। उसमें दो तो यही हैं जो इस हदीस में जिक्र की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी पहली जो हदीस मैंने पढ़ी है उसमें सेहत और फारिग वक्त, दो तो आपने यही जिक्र फरमाई। आपने फरमाया कि सेहत का कबला सकमिक, बीमारी आने से पहले पहले अपनी सेहत से फायदा उठा लो, और फिराग का कबला शुगुलिक, फारिग वक्त तुम्हारे पास है उससे फायदा उठाओ इससे पहले कि तुम इतने मशगूल हो जाओ कि तुम्हें वक्त ना मिले नेकी का, तुम्हें वक्त ना मिले अच्छे काम करने का। हम जब यहाँ जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में और पीछे जामिया रहमानिया लाहौर में जेरे तालीम थे, तो हमें उस आदा इकराम ये कहा करते थे कि जो निसाबी कुतुब हैं इनसे हटकर तुम दूसरी किताबें पढ़ो, एक वक्त आएगा कि तुम वक्त ढूंढोगे किताबें पढ़ने के लिए लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। और आज हुई बात है, अपनी अपनी ड्यूटियां, अपने अपने फ़राइज़, अपने अपने काम, बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारना और दूसरी तीसरी मसरूफियात, आज वो वक्त हमें नहीं मिल सकता है जो ज़माना तालब इल्मी में हमारे पास था। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत को भी बयान फरमाया। फिर तीसरे नंबर पर आपने फरमाया कि इन दो के अलावा शबाब का कबल हरमिक, अपनी नौजवानी से फ़ायदा उठाओ इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ। इंसान जब जवान होता है उसके हाथों में ताकत है, पाँव में ताकत है, आँखों से सही नज़र आता है, कानों से सही सुनता है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है कि उसकी ये पावर ख़त्म हो जाती है, उसके हाथ जवाब दे जाते हैं, उसके पांव जवाब दे जाते हैं, उसके बोलने की ताकत जवाब दे जाती है, सुनने की ताकत जवाब दे जाती है, ऊंचा सुनने लगता है। यह कंडीशन भी हो जाती है कि लोग कान के साथ मुंह लगाकर बात करते हैं उसे फिर भी बात समझ नहीं आती। तो फरमाया कि शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी से ताकत से जो जवानी की ताकत है उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मशहूर हदीस जिसमें फरमाया था सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, सात लोग हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उन्हें अपने अर्श का साया नसीब करेगा, उनमें एक आपने फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी होगी, उसने जवानी को सही काम पर लगाया होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। तो ये आपने फरमाया। इसी तरह आपने फरमाया कि गिना का कबला फकरिक, तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, माल है, उससे फायदा उठाओ इससे पहले पहले कि तुम फकीर हो जाओ, तुम्हारे पास से ये पैसा ख़त्म हो जाए तो उस पैसे से फायदा उठाओ, यानी अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा उसे खर्च करो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और हदीस में कि इंसान कहता है माली माली माली, ये भी मेरा माल, ये भी मेरा माल, ये भी मेरा, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी, लेकिन आपने फरमाया कि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया और हजम कर लिया, वह अलबस्ता व अफनैत, तूने ये पहन लिया, कपड़ा पहना और पुराना कर दिया, खा लिया वो तेरा है, पहन लिया वो तेरा है, या असल माल वो है फरमाया जो तूने अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दिया, बाकी जितना छोड़ जाएगा वो तेरा नहीं बल्कि तेरे वरासा का है। और पांचवी चीज आपने फरमाई हयात का कबला मौतिक, अपनी जिंदगी से फायदा उठाओ इससे पहले पहले कि तुम मौत का शिकार हो जाओ। हम सब जानते हैं
कि हर एक ने मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर एक ने इस दरवाजे से गुजरना है, ये मौत का प्याला पीना है। और ताज्जुब की बात यह है कि किसी को इलम नहीं है कि उसकी मौत कब आने वाली है। ये निज़ाम अल्लाह ने अपने पास रखा है, इसलिए इंसान को हर वक्त नेकी की तरफ, नेक कामों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मानने चाहिए। इसलिए आप एक और हदीस में क्या फरमाते हैं कि अलकईसु मन दान नफ्सहु व आमिला लिमा बाद अलमौत, वो शख्स अकलमंद है, यानी अगर अकलमंद शख्स देखना हो, उसकी दो निशानियां हैं, अलकईसु अकलमंद वो है, जहीन वो है, इंटेलिजेंट वो है, अलकईसु मन दान नफ्सहु जो अपनी इसलाह करता रहे, वह आमिला लिमा बाद अलमौत और ऐसे काम करे जो मौत के बाद काम आने वाले, यानी अपनी इसलाह करता रहे। मतलब क्या है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक और हदीस में, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान गलती कर बैठता है, लेकिन बेहतरीन वो है जो गलती के बाद फौरन तौबा कर लेते हैं। यानी उनसे गलती हुई, फौरन अल्लाह ताला से तौबा कर ली। तो दूसरी निशानी क्या बताई, वा आमिला लिमा बाद अलमौत, ऐसे काम किए जो मौत के बाद उन्हें फायदा देने वाले, आखरत में काम आने वाले, अगली जिंदगी की तैयारी की। देखे, मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये साल खत्म हो रहा है, हम दुनिया में देखते हैं हमारा जो इस्लामिक सेंटर है वो फैक्ट्री एरिया में है, वहाँ हम देखते हैं कि हर साल फैक्ट्रियों का ऑडिट होता है, अकाउंटेंट बैठा है, हिसाब कर रहा है, और ऑडिट के करने वाले ऑफिसर आए हैं, उसमें पूरे साल की आमदन खर्च, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितनी बचत हुई, कितना लॉस हुआ, कौन सा ऐसा स्टेप लिया गया जिससे फायदा हुआ, कौन सा ऐसा स्टेप लिया गया जिससे नुकसान हुआ। अब फैक्ट्री का ऑनर, फैक्ट्री का मैनेजर, वो बैठ के सोचते हैं कि हमने ये काम किया, इसमें हमसे ये गलती होगी, लिहाजा हमारा इतना नुकसान हो गया। अब वो क्या करेंगे, अगले साल ये गलती नहीं दोहराएंगे, अगला साल आएगा वो ये गलती नहीं दोहराएंगे, ताकि हमारी फैक्ट्री का, हमारी मिल का दोबारा ये नुकसान ना हो, और ऐसे कामों की कोशिश करेंगे जिनमें उनको फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जो प्रोडक्ट उनकी चली है, जिसको लोगों ने पसंद किया है, उसके लिए वो ज्यादा ट्राई करेंगे। ये फैक्ट्री का ऑडिट होता है, इंसान फैक्ट्री का कुछ साल बाद होता है, हमें तो हर रोज करना चाहिए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलकईसु मन दान नफ्सहु व आमिला लिमा बाद अलमौत, अकलमंद देखना हो, ज़हीन आदमी देखना हो, इंटेलिजेंट देखना हो, तो उसकी दो निशानियां हैं, एक तो वो अपनी इसलाह करता रहता है, और दूसरा ऐसे अमल करता है जो उसे जिंदगी के बाद काम आने वाले। इस हदीस के दूसरे पॉइंट पे गौर करें, यही बात हम कर रहे हैं कि हम ऐसे काम करें जो हमें आगे चल के काम देने वाले। देखिए, एक छोटी सी मिसाल है, अगर आज हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, उसे हम जज बना देते हैं, वकील बना देते हैं, काजी बना देते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं, सोचने की बात है कि जिस दिन पहली दफ़ा वो सीट पर आकर बैठा है, एक डॉक्टर MBBS किया उसने, सीट पे आके पहले दिन बैठा, चाहे सरकारी मुलाजमत है या उसने अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोला है, इसी तरह कोई मैनेजर है फैक्ट्री का, उसने आकर पहले दिन सीट संभाली है, इस दिन से लेकर वो कितनी देर तक कमा सकता है, ये सोचने वाली बात है। एक इंतहाई अहम पॉइंट है कि आज वो सीट पे आके बैठा, आज 2020 है, उसने आकर चार्ज लिया, संभाल लिया फैक्ट्री का, क्लिनिक का, या जहां भी वो काम कर रहा है, कोर्ट में है, अदालत में है, जज बन के बैठा है, सोचने की बात है कि कितनी देर तक वो जज रह सकता है। दुनिया का भी ये कानून है, 60 साल की उम्र हो गई उसे रिटायर्ड कर दो।
अब देखिए, एक शख्स अगर 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आके बैठा है, तो गोया उसने 30 साल कमाया है, 30 साल वो डॉक्टर बना रहा, 30 साल वो इंजीनियर बना रहा, 30 साल वो कमाता रहा, 30 साल वो अपनी सीट पे बैठा रहा, अब 60 साल की उम्र हो गई, उसको रिटायर्ड कर दिया गया, अपनी भी क्लिनिक होगी तो कितनी देर और कर लेगा, कोई 8-10 साल और करेगा, उसके बाद वो उसके हाथ खुद कांपने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उसको वो काम छोड़ना पड़ेगा। तो गोया हमने अपने बच्चे को 30 साल की कमाई के लिए कितना तैयार किया है, सुबह जब नमाज का वक्त होता है, बजाय नमाज पढ़ाने के हम उसको बिस्तर से निकालते हैं कि तेरे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। जैसे आप साहब फरमा रहे थे कि हम मुसलमानों और काफरों के दरमियान तो फर्क ही नमाज का है, हमने उस अहमियत को भी मिटा दिया, बच्चे को बिस्तर से खींच कर निकाला और स्कूल भेज दिया, स्कूल से आया एकेडमी भेज दिया, एकेडमी से आया टीचर के पास बिठा दिया। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि अगली जिंदगी 30 साल की है, यहाँ तो 40 साल कमा लिया, वहां 40 साल के बाद अगर वो नाकाम हुआ तो क्या वो अजाब खत्म हो जाएंगे, या 40 साल की जिंदगी है, 40-100 साल की है, 40,000 साल की है, 40,00,000 साल की है, ये अनलिमिटेड जिंदगी है, यहां दुनिया का कैलकुलेटर, उसका वो हिसाब किताब खत्म हो सकता है लेकिन अगली जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। तो फिर कितने अफसोस की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है, कितने अहमकपन की बात है कि इंसान अपने बच्चों को इस दुनिया की जिंदगी के लिए जो आरजी है 30-40 साल कमाएगा उसके लिए तो हम तैयार करें, हजारों रुपए उस पर खर्च करें, स्कूल की फीस, अकेडमी की फीस और जनाब ट्रांसपोर्ट की फीस, ये वो फलां फलां, हम जानते हैं आए रोज, ये वर्दी की फीस है, ये स्पेशली की फीस है, फलां है फलां है, सारा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हमने बच्चे को अगली जिंदगी के लिए भी तैयार किया है? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु वामिला लिमा बादल मौत, अकलमंद वो है जो अपनी इसलाह करे और ऐसे अमाल करे जो अगली जिंदगी में काम आने वाले। अब हमने कई देखे हैं लोग, वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यकीन करें कि उन्हें सूरह इखलास भी नहीं आती। अल्लाह अकबर, ये कितने अफसोस की बात है। और इसके मुकाबले में देखिए, जिन्होंने आखिरत की तैयारी की, आपका बच्चा है, आपने उसे आलिम बनाया, हाफिज बनाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, फरमाया हाफिज कुरान को अल्लाह का हुक्म होगा, इकरा फरतकी, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की मंजिलें चढ़ते जाओ, जहां आखिरी आयत करीमा होगी वहां मैंने तेरा मंजिल और मुकाम तैयार कर रखा है। और आलम दीन के लिए अल माहिर बिल कुरान माल किराम सफरतिल बररा, जो कुरान का माहिर इंसान है वो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। हम ये कभी नहीं कहते कि दुनिया ना पढ़ो, दुनिया ना कमाओ, बिल्कुल पढ़ो कमाओ, लेकिन दुनिया को सानवी दर्जे पर रखो, दूसरे दर्जे पर रखो, और असल काम जो करने वाला है वो आखिरत की तैयारी है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन्नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें लोग धोखे में हैं, बहुत ज्यादा लोग धोखे में हैं, अक्सर लोग धोखे में हैं, एक सेहत और एक फारिग वक्त, ना सेहत से फायदा उठाते हैं ना फारिग वक्त से फायदा उठाते हैं, और याना नहीं है कि हम अब बड़े हो गए, बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, हमें दीन की तरफ लगाया जाता, हम वो पढ़ते, अच्छा पढ़ते, आलिम बनते, कारी बनते, ये करते वो करते, अब हम बड़े हो गए हैं, लिहाजा अब तो हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हमें हमारी जुबान पे नहीं चढ़ता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, ये बिल्कुल बहाने हैं। कोई ऐसा बहाना शरीयत के अंदर नहीं है। इनका एहसान रहिमहुल्लाह ताला, जिनके हालात जिनकी इमाम साहबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीर आलम नुबला के अंदर जिक्र किए हैं, ये 70 साल की उम्र में उस्ताद के पास जाकर बैठते हैं और वक्त के इमाम बन जाते हैं। हमारे इताई मोहतरम भाई सैयद तौसीफुर रहमान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो बयान करते हैं, वालदा यहाँ हज पे आई थी, और वो जब उनके वालिद और वालदा हज पे आए थे, हम खुद उनसे मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उस वक्त उनके साथ मक्का में थे, मुलाकात भी हुई, उनके वालिद साहब थे वो उनके साथ, एक ही गाड़ी में सफर भी किया, तो उन्होंने बुढ़ापे की उम्र में यहाँ से इमाम काबा शेख सुदैस
अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़ाहुल्लाह ताला और शेख सऊदा शुरैम हाफिज़ाहुल्लाह ताला, इनका कुरान मजीद खरीदा जो उस वक्त रिकॉर्ड टेप के अंदर होता था, ये कैसेट और टेप चलती थी, यहां से वो लेकर गई और उसको सुनते सुनते बुढ़ापे की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद याद कर ली। तो इसलिए ये कोई बहाना नहीं है। यहाँ एक मसरी से मुलाकात हुई, मिस्र का है, ट्रक ड्राइवर है, कहता है मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं कुरान सुनता रहता हूँ सुनता रहता हूँ, 10 साल के अंदर मुझे पूरा कुरान मजीद याद हो गया। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेमतानी मकबूलुन फीहिमा कसीरुन मिनन्नास, दो नेमतें ऐसी हैं उनमें लोग धोखे में मुबतला हैं, एक फारिग वक्त और एक सेहत। लिहाजा हमें चाहिए, मुझे भी, आपको भी, तमाम सुनने वालों को भी, कि हमें इन दोनों नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए, आखरत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया भी हम उतनी रखें जितनी हमारी मजबूरी और ज़रूरत है, लेकिन असल तैयारी हम आखरत के लिए करें, यही हमारा सरमाया है। खुद भी तैयारी करें, अपने बच्चों को भी तैयार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर, मुझे भी आपको भी, अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी वसादत से आप बहन भाइयों से बात करने का मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये थे फजीलत शेख मोहम्मद अख्तर सिद्दीक साहब हाफिज़ाहुल्लाह, जो आपके सामने अहमियत वक्त और हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मेरे अजीम भाई की इन अल्फाज में बरकत पैदा फरमाए, कि हमारे दिलों तक वो पहुँच जाएँ और हमें अल्लाह इन तमाम कीमती बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंतहाई मुख्तसर वक्त में आप अहबाब के सामने ज़िक्र कर दिया है, और बात तो है अमल की, अगर हम अमल करेंगे तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा सरमाया है और कीमती एक गिफ्ट और तोहफ़ा है जो उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम्हें पेश किया है। अब इस हवाले से एक और भी बात ज़हन में रखें कि जैसे इंसान अपने ज़िंदगी के ख़त्म होने पर या सेहत के सेहत से महरूम होने पर पछताएगा, वैसे ही एक और बहुत बड़ा पछतावा है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो जिस हम पुरफितन दौर से गुज़र रहे हैं, हर तरफ हर कोई अपनी डुगडुगी बजा रहा है और अपने जो है वो दावे कर रहा है और अपनी तरफ लोगों को खींच रहा है और लोगों को जो है वो फितने का शिकार कर रहा है। इस वक्त हमें अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत और नसीहत ज़हन नशीन रखनी चाहिए जो हमें गुमराही से बचा सकती है और हमें झूठ और फ्रेब से बचा सकती है और जैली और फेक चीज़ों से बचा सकती है, खुसूसन इस्लाम और दीन के हवाले से, अल्लाह के क़ुर्ब के हवाले से। क्योंकि अल्लाह का क़ुर्ब सिर्फ़ और सिर्फ वो है या उस चीज़ में है जो अल्लाह ताला के दीन की हकानियत में पिन्हा है, और दीन की हकानियत वो है जो सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, ख़ा वो कुरान की शक्ल में हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा की शक्ल में हो, आपकी जो है हिकमत की शक्ल में हो। तो इसलिए इस वक्त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ पैकेज जो है वो हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मिर्ज़ाई हैं और कादियानी वगैरह हैं, और उनके पास कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है कि जो हक़ के करीब हो, लेकिन वो अपनी पार्टी बाजी के लिए और अपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, और एक दुश्मन जो यहूद नसारा हैं उनके प्रोपोगंडे के ऊपर चलते हुए, या उनको जो है वो उनसे दुनियावी इस्तिफादा करने के लिए खामखा लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इसी तरह
और किस्म बहुत सारे राफजियत वगैरह या इस किस्म की चीज़ें हैं जो दीन के हवाले से बदनाम कर रहे हैं या दीन के हवाले से लोगों को नुकसान दे रहे हैं, जहर घोल रहे हैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर, लोगों के बहुत बड़े कीमती अयाम और दिन के शब व रोज़ को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी जो है वो ज़िंदगी बसर हो रही है और वो इसी शुबहात के शिकार हैं कि ये ठीक है वो ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ है कि दीन को दूर करने के लिए कई किस्म की जंग जो है इस वक्त हमारे हम लड़ रहे हैं या हमारे सामने मुकाबलाबाजी हो रही है, उसमें ये जो ख्वातीन की आज़ादी के हवाले से हमारी इज्जत और आबरू जो इस्लाम का एक बहुत अजीम मैं समझता हूँ कि एक असूल है और ज़ाबता हयात है, जिसकी वजह से हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनकी इज्जत आबरू महफूज है, वो हमारी शहजादियाँ हैं, वो हमारी रानियाँ हैं, वो हमारी या तो इस हवाले से मुअज्जज ख्वातीन हैं, इज्जत आबरू का वो यानी पैकर हैं, या वो हमारी माँ लगती है जिसके पाँव में जन्नत बना दी, या वो हमारी बहन है जिसके पालने परवरिश पर, जिसकी रियायत पर जो है जन्नत की गारंटी और ज़िंदगी मिलती है, या हमारी बेटियाँ हैं जिसकी परवरिश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के वादे फरमाए हैं। तो ये इतने अजीम रिश्ते हैं, लेकिन उसको चार दीवारी से जो है वो निकाल कर लोगों के जो है वो लालची नज़रों, भेड़ियों की शक्ल में जो इंसानी नाम रखते हैं लेकिन हकीकत में वो भेड़िए हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे दीन से दूर लोग जो हैं, जो दीन के मुनकर और मुलहद लोग हैं, वो जैसे उनकी इज्जत आबरू उनके हाथ से निकल गई, उनकी बेटियां उनके हाथ से निकल गई, उनकी औलाद उनसे हाथ से निकल गई, और वो दिन रात बड़े परेशान हैं और उनका दिल जो है बेसुकून है कि उनकी कोई चीज़ भी, उनकी बीवी को वो उसके सामने बैठकर दूसरे को फ्रेंड कहती है, उसको बुलाती है, उसको खिलाती और पिलाती है, और अपने शोहर के बगैर इजाज़त के उसकी गाड़ी में बैठती है, उसकी मोटरसाइकिल में बैठती है, कपड़े नहीं पहनती, जिस्म उसका नंगा होता है, डांस करती है। तो वो चाहते हैं कि जैसे हम परेशान हैं मुसलमान भी परेशान हो जाए, जैसे हमारा कौन है, इसकी माँ कौन है, वो बेचारे तो कितने, तो वो चाहते हैं कि इनके भी जो है वो रिश्ते इस किस्म के हों। तो एक हमारा वक्त ये भी जो है वो एक नारा लगा हुआ है जो लोग औरत की आज़ादी का, इसमें हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया हो रहा है। इसी तरह ऐसी फ़िरका बरियत आ गई है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, उससे हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। अगर हम इसी पर जो है वो बग़ैर फिक्र किए, बग़ैर अपने आप को हक पर लगाए, हक को अपनाए हुए, खुदा न खास्ता हम मेहनत भी करते हैं, सजूद भी करते हैं, क़याम भी करते हैं, ज़कात और सदक़ात खरात भी करते हैं, और अपने बच्चों को कुरान और हदीस हिफ्ज कराते हैं, लेकिन असल जो मनहज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नहीं लिया, तो जब मौत आएगी फिर वही मसला है। जैसे कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक क्रिश्चियन को देखा कि वो अपनी मुशक्क़त के साथ इबादत में मसरूफ़ है, तो वो रो रहे हैं, तो एक साथी ने पूछा कि उमर आपको क्या रोने की ज़रूरत, वो काफिर है, फड़क रहा है, फड़कने दे, रो रहा है। तो आपने बात ये नहीं है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते वजूह मैजन खाशी आमिलतुन्नासिबतसलानारनहामिया, इस बेचारे पे मुझे इसीलिए तरस आ रहा है कि ये मेहनत कर रहा है, ये लंबी लंबी इबादत तो कर रहा है, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नबूवत पर इसका ईमान नहीं है, और ये सब झूठ और फ्रॉड है, कल क़यामत के इसको जूते पड़ेंगे, ये सज़ा भुगतेगा और ज़िल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर होगा, मुझे इस पर जो है इसलिए रोना आ रहा है। तो भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही हकीकत है, की तो वो नहीं है, वो दीन नहीं है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई जवाब दे नहीं है, उसका कोई अजर देने वाला नहीं है। तो बहरहाल मैं चूंकि हमारे एक दूसरे दोस्त हैं फजीलत शेख डॉक्टर काजी आमिर साहब हाफिज़ुल्लाह, जो कि प्रिंसिपल हैं नजूम आलमी मदारस नजूम आलमी रियाज में, तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो भी चंद मिनटों के लिए अपने अहबाब से मुखातब हों और अपने कीमती जो अल्फाज हैं, जो उनके पास मालूमात हैं, वो उससे लोगों को फैज़याब फरमाएं। मैं दावत देता हूँ फजीलत शेख बुज़ुर्ग वार हमारे भाई फजीलत शेख डॉक्टर आमिर काजी साहब हाफिज़ वली फ़ज़ल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं, जैसे अख्तर साहब ने भी शुक्रिया अदा किया इकबाल साहब का, उनकी मेहरबानी है कि वो ऐसे मौके फराहम करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया मैं आप सब से मुखातिब हूँ और आप सबको कोई ऐसी बात बता सकूँ जो अल्लाह ताला ने हम पे रहमत नाज़िल की है और अपनी मेहरबानी की हुई है कि हमें समझ बूझ अकल समझ दे दी। और हम शुक्रगुजार हैं कि हमें मुसलमान बनाया, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, हमें ऐसे चीज़ें अता की कि जिनसे हम अपना फ़ायदा करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। हमें आसानियाँ अता फरमाईं ताकि हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी फ़ायदा करें। और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी है या अल्लाह की मुझ पर बहुत रहमत है कि मैं अपनी PhD मुकम्मल करने के बाद बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि मैं तालीम के शोबे से ही ताल्लुक़ रखूँगा, क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारे शोबे तालीम में बहुत कमी है। यानी जो बच्चे हैं हमारे, उनको कोई जो बुनियादी तालीम जिसको कहा जाता है वो नहीं दी जाती, उनको दुनियावी अलूम से बिल्कुल ही नाबलद या समझे कि उनको दिया ही नहीं जाता। दुनियावी तालीम पे इस कदर ज़ोर दिया और इस कदर उसके लिए कोशिश काविश की कि वो बिल्कुल ही दुनिया में खो गए या दुनिया के ही हो गए और उन्होंने समझा कि यही ज़िंदगी है। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें जो दुआ भी सिखाई और कहा रब्बना आतना फिल दुनिया हसनतम व फिल आखरत हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, बिल्कुल दुनिया करना है लेकिन दुनिया में रहते हुए हमें ये देखना है कि हमारा यहाँ का वक्त कितना है। जो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जब मैं पूछूँगा तो कहेंगे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा रह गया है, तो उसके लिए हमारी जस्तजू और कोशिश काविश इस कदर, और जो ज़िंदगी सारी उम्र जहाँ हमने मालूम ही नहीं कितना अरसा है, जो कोई अंदाज़ा नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं, उसके लिए ना तो तैयारी है, ना उसका इल्म है, ना उसकी फिक्र है, ना ही कहीं पे उसका कोई इंतज़ाम है। इसके लिए हमें हर जगह पे, यानी जो कहा महद से लहद तक, यानी माँ की गोद से लेके कब्र तक, तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, इल्तजा है और इसकी बड़े आसान तरीके पर तैयारी करें कि जब आपके घर अल्लाह ताला आपको औलाद दे, जो तो औलाद वाले साहब औलाद है शादीशुदा हैं, वो उसको वहीं से स्टार्ट कर दे उसकी तैयारी। और जो लोग अभी इस मराहल में नहीं पहुँचे, वो ज़ाहिर बात है अपने लिए इंतज़ाम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इल्म जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा सूरह जुमा में कि एक गधे के ऊपर आप किताबें लाद दें तो वो आलिम नहीं बन जाएगा। यानी हम इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन उस पर अमल कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमें, ये जो जैसे हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब ने भी जिक्र किया कि ये दौर ऐसा है और ये मीडिया का जो इंतज़ाम है इस कदर वसी हो चुका है कि हमारे पास इस कदर चीज़ें मौजूद हैं, यानी इंफॉर्मेशन। अब वो इल्म नहीं है, इल्म वो होता है जिसको आप हासिल करके अपना और दूसरों का फ़ायदा करें। इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अल्लाह ताला भी बहुत साफ अंदाज में कहते हैं कि एक इल्म वाला और एक जाहिल कैसे बराबर हो सकते हैं। यानी अब जहालत किसको कहा जाएगा, जहालत इसको नहीं कहा जाएगा कि उसको कुछ मालूम, जहालत यह है कि सब इंफॉर्मेशन होते हुए उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा, सब चीज़ें होते हुए उसके पास अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उसको हर चीज़ मुहैया की हुई है और वो गाफिल है, वो उस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो हम लोगों ने इस गफलत को ख़त्म करना है, सुस्ती काहली को ख़त्म करना है, और हमारी कोशिश काबिश यही होनी चाहिए कि हम इस वक्त को जो हमारे पास है इल्म उस तरह का हासिल करें जो हमें नफ़ा बख्श हो,
जो फ़ायदा मंद हो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरा इरादा भी यही था और अल्लाह ने मुझे मौका फ्राहम कर दिया और एक इदारे के अंदर अभी मुझे ऐसी जगह भी अता कर दी कि मैं बैठ के बच्चों को, उनके वालदैन को, असातिज़ा को, दूसरे जितने भी मेरे पास मिलने वाले आते हैं। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब का कि वो बड़ी बड़े कदरदान हैं, मेहरबान हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला ऐसे इंसानों का मिलना जुलना और उनका जो दायरा वसी करे ताकि जो अच्छी बात है सब तक पहुंच सके। और इनका जो इरादा है अल्लाह उसमें कामयाबी अदा करे और इनकी चीज़ें, कोशिशें, कामशें कबूल फरमाए। और जो हम अपने अल्फाज अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला उनका असर ऐसा पैदा करे कि जो सुनने वाले हैं, जिस जिस को सुनाई दे रहा है, जिस जिस को दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ जो भी चीज़ें समझ पा रहा है वो उसको काबिल अमल बनाए। क्योंकि इल्म जो है, जब तक के ये हमारे हम लोग यूरोप या दूसरे आइंस्टाइन न्यूटन की बहुत बातें करते हैं, वो कहते हैं नॉलेज इज़ पावर ओनली व्हेन इट इज़ अप्लाइड। कहते हैं ये तो बहुत बड़ी ताकत है लेकिन ये बेकार है जब तक कि आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। यानी आपके पास इल्म हो कि जी खाना कैसे पकाना है, नहीं पका रहे तो भूख से मर जाएंगे। इसलिए जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको अमल करें। जो अल्लामा इकबाल ने भी कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सारा उसका बता दिया खुलासा कि हम बेकार रहेंगे या अमल नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे होते हुए भी हमारा सारा निज़ाम ही तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत दे, अल्लाह ताला हमें वसाइल ज़रा मुहैया करे। जैसे हम अल्लाह ताला से हर रोज़ दुआ करते हैं, ये इल्म वाली दुआ है, यानी सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं हमसे कहते हैं इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन, लेकिन हमें नहीं मालूम हम रब ताला को क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो ये जब हम कह रहे होते हैं तो हमें मालूम भी होना चाहिए अपने रब से क्या कह रहे हैं, यही इल्म है। तो इल्म वो हमने हासिल करना है और इल्म को हासिल करने के बाद उससे खुद फ़ायदा उठाना है। फिर फ़ायदा उठा के जैसे रब ताला का भी हुक्म है कि आप अपने आप को और अपने ख़ानदान को जहन्नम की आग से बचाओ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को और अपने ख़ानदान को जहन्नम की आग से बचाएँ और अल्लाह ताला के अहकामात को जानते हुए, यानी खाली पढ़ना नहीं है, खाली उसको एक देखना नहीं है, उसको काबिल अमल बनाए। और हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो हमें बताई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाई है। इसी नमूना तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो उनको हम देखें, उनके ऊपर उनको पढ़ें। हम दुनियावी इलूम के लिए बहुत जुस्तजू करते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, कहाँ कहाँ दुनिया के कौन है। लेकिन जो कुरान हमारे पास है, अल्लाह ने हमें अता किया हुआ है, इतनी बड़ी नेमत है, उसके पढ़ने की जस्तजू नहीं करते। तो ये बहुत ही अहम, इस वक्त के लिए बहुत अहम चीज़ है कि खुद कोशिश का। जी बिल्कुल, आप दोस्त कह रहे होंगे कोशिश का हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए जैसे आप कंप्यूटर साइंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ढूंढते हैं यूनिवर्सिटीज़, वहाँ फिर जस्तजू करते हैं, वहाँ दाखिला लेते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, पैसे खर्च करते हैं, इसके लिए भी कोशिश करें। आपको ऐसे असातिज़ा, ऐसे लोग, ऐसे आलिम, ऐसे लोग मिलेंगे जो बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए। लेकिन आप पूछे थे कुआँ प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासा कुएँ के पास जाएगा। तो इल्म हासिल कीजिए और इल्म वो हासिल कीजिए जो नफ़ा बख्श हो, आपको राह रास्त की तरफ ले जाए, आपको साबित कदम बना दे, आपको अल्लाह से डरने वाला बना दे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब के दिलों में नटर पैदा करे और हमें ऐसा बना दे कि अल्लाह ताला हमें देखते ही कहें कि ये मेरे बंदे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो ये ज़रूर होगा, लेकिन कदम तो उठाना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और अल्लाह का वादा है
मैं तुम्हें मंजिल पर पहुँचा दूँगा, मुझे बहुत उम्मीद है। और मैं इसी जस्तजू के साथ, इसी इल्तजा के साथ, इसी कोशिश के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब ने कदम उठाना है, चलना है, हिम्मत दिखानी है। हाँ जाहिर बात है, अल्लाह ने कहा है कि शैतान अदू मुबीन, खुला दुश्मन है हमारा, वो हमें रोकेगा। उसके बड़े बड़े तरीके हैं और वो मुख्तलिफ सूरतों में आता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, जस्तजू करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो वो हार जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, आपको हिम्मत ताकत भी मिलेगी। और जो कहा है ना, वातसम बेहबल्ला जमी वला तफर, इकट्ठे होके करेंगे, अकेले अकेले नहीं होगा। मिल जाइए, एक दूसरे के साथ रब्ता रखिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं जो मांगोगे मैं तुम्हें अता कर दूँगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देंगे और हमें वो इल्म देंगे जो हमारे लिए नफा बख्शे। मेरी तरफ से हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब का फिर बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसा मुझे मौका अता किया। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।